नमस्कार, सुबह सुबह ये तस्वीर आप ईडी कार्यालय के बाहर से लाइव देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे और 3 पन्ने का एक पत्र उन्होंने ईडी को भेजा था और कहा था कि ये सम्मन वापस ले लीजिए, नहीं तो हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी बार ये सम्मन भेजा गया है और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसको लेकर तो अब तक सस्पेंस बरकरार है। लेकिन यहाँ देखिए कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, महिला और पुरुष दोनों फोर्स को लगाया गया है। ये आप देखिए कि ईडी कार्यालय का जो मुख्यालय है रांची का, यही है। आप सभी को पता है कि पिछले साल 2022 में 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी ईडी कार्यालय में आए थे और लंबी पूछताछ हुई थी। रात 10 बजे वे यहाँ से निकले थे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उन्हें लेने के लिए पहुँची थी। आज मुख्यमंत्री पहुँचेंगे या फिर नहीं पहुँचेंगे, इसको लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार भी जब 14 अगस्त को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी ये सस्पेंस जो है शाम तक बरकरार रहा। इसी तरह सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों को लगाया गया है और ये बैरिकेडिंग भी बाकायदा कर दी गई है। बाहर झारखंड पुलिस के जवान हैं। ये देखिए आप, ईडी के पदाधिकारी जो है पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ तमाम जितने ईडी के पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। एक तरह से तैयारी की जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचते हैं तो कैसे उनसे पूछताछ की जाए। आप देखिए कि बंगाल नंबर की ये इनोवा की गाड़ी है और वो इस वक्त ईडी कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रही है। आप देखिए अंदर CISF के जवानों को लगाया गया है और बाहर झारखंड पुलिस के जो जवान हैं हुए हैं और लगातार यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर लाकर लगा दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस के ऑफिसर भी पहुँचे थे और सुरक्षा का मुआयना करके यहाँ से चले गए हैं। तो अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या सचमुच में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचेंगे या फिर कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के तरफ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही ये इससे जो है मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते भी हैं तो वो 11 बजे के बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि पिछले साल जब 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचे थे तो करीब 12 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुँचे थे और जब मुख्यमंत्री पहुँचे थे तो इससे काफ़ी अधिक सुरक्षा थी। अभी जितनी सुरक्षा है इससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा उस समय यहाँ पर लगाई गई थी। अभी हालांकि बहुत ही कम सुरक्षा है। तो आप देखिए कि लगातार सुरक्षा का मुआयना जो है यहाँ पर पुलिस के पदाधिकारी कर रहे हैं और हर कोई जानना चाह रहा है, किसी को भी नहीं पता है, कोई अभी क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचेंगे या फिर नहीं पहुँचेंगे। आप देखिए कि गाड़ियाँ लगातार ईडी कार्यालय के अंदर जा रही है और आ रही है। हर गाड़ी, जैसे ही कोई भी गाड़ी पहुंच रही है तो हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक हो जा रहा है कि भाई आखिर उससे कौन आ रहा है, क्योंकि सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो हर दिन मुख्यमंत्री का शेड्यूल जारी होता है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होता है, वो जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय आएंगे, क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 12:30 बजे के आसपास प्रोजेक्ट मंत्रालय उनका जाने का कार्यक्रम है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट मंत्रालय में जाकर बैठते हैं और वहां पर फाइलों को निपटाने का काम करते हैं। तो अभी जो जानकारी है उसके अनुसार जो उनका शेड्यूल है हर दिन के कार्यक्रम का, वो उसमें भी जिक्र नहीं है यहाँ पर आने का। हालाँकि वो जिक्र होता भी नहीं, अगर आना भी रहता, अगर आना भी होगा तो। लेकिन इस बीच जो सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है वही सुरक्षा यहाँ हम दिखाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अब थोड़ी देर बाद इस बात से पर्दा हट जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँच रहे हैं या फिर नहीं पहुँच रहे हैं। अंदर से देखिए एक और गाड़ी ईडी कार्यालय के अंदर से अभी निकल रही है, क्रेटा गाड़ी है और ये भी बंगाल नंबर की गाड़ी है। तो ज़्यादातर बंगाल नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पर दिख रही है, लगता है कि बंगाल से ही ईडी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं पूछताछ करने के लिए। लगातार सभी गाड़ियाँ निकल रही है और जा रही है, जितने भी ईडी के पदाधिकारी हैं उन्हें अंदर छोड़ने के बाद।
आपको लगातार ये तस्वीर ईडी कार्यालय के बाहर से हम दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि मीडियाकर्मी भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चहलकदमी जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि क्या सचमुच में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँच रहे हैं या फिर नहीं पहुँच रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कल से ही लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि वो जो छापेमारी है वो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में छापेमारी चल रही है, और आज जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये बेनामी संपत्ति से मामले जो जुड़े हैं उससे उस संबंध में इनसे पूछताछ होगी। तो पूछताछ के लिए जब बुलाया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यही बताया गया कि वो जितना सवाल ईडी उनसे करना चाहती है, जानना चाहती है, उसका जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। अगर ईडी कार्यालय में वो कागज़ जो है अगर गुम हो गया हो तो वो फिर से वो कागज़ जो है जीरोक्स कॉपी उसका उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत ही कड़ा पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरह से लिखा था 3 पन्ने का, और उस पत्र का कोई असर जो है ईडी पर नहीं हुआ, और यही वजह है कि दूसरा सम्मन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया गया है। और जो जानकारी है उसके अनुसार दूसरा सम्मन जब किया गया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पत्र लिखा था उस पत्र का जवाब भी ईडी की तरफ से भेजा गया है। आप देखिए कि लगातार पुलिस के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। आप देखिए एक तरफ महिला फोर्स को लगाया गया और दूसरे तरफ पुरुष फोर्स को, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया था, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचे थे तब बहुत भीड़ यहाँ पर भी लगी थी, मुख्यमंत्री आवास पर भी बहुत भीड़ थी। तमाम जितना भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं वे मुख्यमंत्री आवास पहुँचे थे, और जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में रहे तब तक वे मुख्यमंत्री आवास पर डटे रहे। देर रात जब 10-10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहां से लौटे, उसके बाद ही सभी विधायक जो है अपने अपने घर गए थे मुख्यमंत्री के ये आश्वस्त करने के बाद कि सब कुछ ठीक है। और देखिए ये तस्वीर लगातार हम ईडी कार्यालय के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है सुरक्षाकर्मी तैयार हैं।